अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं भाई की न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सनम वकास। मेरे साथ आज एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। क्या हुआ, ये कैसे बात कर रही हैं? ऐसे कोई इंट्रो करता तो कैसे करते? मेरा नाम तो सही तरह तो नाम लेने लगी हूँ, आप फंबल इतना कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है आज एक छोटा सा बच्चा। फिर फंबल। अच्छा तो किस तरह से करते हैं आप बता दो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद मोहसिन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। किस तरह से किया जाता है? आप बीच में फंबल कर रही हैं बार बार। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सनम वकास। और मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है और ये बच्चा, इसको बच्चा नहीं समझे आप, ये 9 साल का है लेकिन 9 साल की उम्र में ये एक बहुत बड़ा एंकर बन चुका है। बहुत सारे मशहूर लोगों के इंटरव्यूज़ किए, ऐसे ऐसे लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं जो किसी को बोलने भी नहीं देते। तो ये एंकर क्यों बना? इतनी छोटी सी उम्र में इसे एंकर बनने का शौक़ किस तरह से हुआ और इतना कॉन्फिडेंस लेवल इसके अंदर कहाँ से आया ये जानते हैं इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप 9 साल के हैं तो पहला इंटरव्यू किस उम्र में किया और इंटरव्यू करने का शौक कैसे पैदा हुआ? जिंदगी का पहला इंटरव्यू मेरा था आरिफ अमीर भट्टी साहब का और वो मेरे दद्दू जान के इक्वल। डर नहीं लगा? डरना किस बात का भाई, इंटरव्यू में कौन डरता है, इतना मजा आया। कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत। शौक किस तरह से हुआ एंकर बनने? ये एंकर बनने का शौक नहीं था, इट वॉज अ एक्सीडेंट। कैसे? डैड जब भी घर आते थे, इवन जब मैंने व्लॉगिंग और ये इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट किए तब मैं 4-5 साल का था। इतनी छोटी उम्र में? तो डैड जैसे ही घर आते हैं, डैड ने आते न्यूज़ देखना शुरू कर दें। मैंने डैड को कहना, डैड मेरी बात सुन लें, मैंने अपना बताना होता था कि मैंने क्या क्या किया भाई। डैड अटेंशन चाहिए? हाँ अटेंशन चाहिए थी। डैड को मैंने कहना, डैड ये सुन लें। डैड ने कहना, एक मिनट बेटा मुझे ये सुनने दो, एक मिनट ये सुनने दो, मैं कुछ ऐसा करूँ मुझे ही देखें मुझे ही सुने। और अब आपके सामने। क्या बात है। तो अभी तक कितने लोगों के इंटरव्यूज कर चुके हो, सियासतदानों के, एंकर्स के, और टोटल जो जिंदगी के इंटरव्यूज किए हैं कितने किए? ये मैंने कभी गिना नहीं। अंदाजन काफ़ी सारी कर लिए हैं। न्यूज़ एंकर्स में से मैंने किए हैं आरिफ अमीर भट्टी साहब का, इमरान रियाज खान, उसके अलावा सुहेल वड़ाई साहब का जो किया। सुहेल वड़ाई साहब का भी किया? हाँ। कैसा रहा? बहुत अच्छा। हमारे इतने सीनियर एंकर हैं, बोलने भी नहीं देते किसी को। अच्छा, इमरान रियाज साहब का जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने आसानी से इंटरव्यू दे दिया था, उन्होंने कहा नहीं था इतना छोटा बच्चा मैं इसे क्या इंटरव्यू दूँ, इसे क्या पता होगा। फर्स्ट टाइम जिसका भी मैंने आज तक इंटरव्यू किया ना, सारे पहले तो जब तक मेरी वीडियो नहीं देखते तब तक कहते हैं ऐसे ही बच्चा होगा, 2-4 छोटे मोटे सवाल कर लेगा, नाम क्या है, क्यों है, क्या। लेकिन जब वो मेरी वीडियो देखते हैं ना, वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ, कोई मसला नहीं, आप आ जाओ, हम फ्री हैं, आ जाओ, टाइम है हमारे पास, आ जाओ आप। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब जैसे आप किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने जा रहे हो तो आपको सवाल जाहिर है उसके रिलेटेड ही करने होते हैं, सियासतदान के, सियासत के रिलेटेड, एंकर से, एंकर की ज़िंदगी के रिलेटेड या इस तरह के, तो वो जो क्वेश्चन है वो कहाँ से कैसे याद? इट वॉज ऑल क्रेडिट गोज टू माई मॉम। मामा करा? हाँ, उसके अलावा डैड को भी क्रेडिट जाता है और मम्मा मेरी प्रोड्यूसर है कन्फर्म। जिधर भी जाओ इंटरव्यू करने के लिए मम्मा ने पीछे बैठे होना है। जो गेस्ट है उसके आने से पहले मम्मा ने मुझे 5 दफ़ा कहना है अच्छे से करनी है और सवाल मुझे बार बार मुझे रिवाइज करवाएंगी। और आजी पंजाब का जब मैं करने गया था, मम्मा ने कहा था, बेटा अच्छे से कर लेना, रास्ते में मैं गाने गाता हुआ जा रहा हूँ, मम्मा कहती याद कर लो याद कर लो याद कर लो। मैंने कहा मम्मा ने, टेंशन वाली बात ही नहीं है। पंजाब से कैसे टाइम लिया? आज ही पंजाब से इसका क्रेडिट डैड को जाता सारा। उन्होंने लिया। और आज ही साहब मेरे साथ मीटअप कैसा था कि जब आपने देखा आई जी पंजाब उस्मान अनवर साहब को, तो कैसा था आपका? डर नहीं लगा? पुलिस वाले हैं, आई जी पंजाब है, पुलिस वाला सवाल गलत हो गया तो पकड़ लेंगे। भाई पुलिस वालों से किसका डरना, स्पेशली जो इंटरव्यू करने जा रहा है वो तो नहीं डरेगा, हर बाकी लोग डरते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आईजी साहब जैसे ही आए हैं ना, वो ऐसे थे जैसे बिछड़े हुए दोस्त या भाई मिले हों। डायरेक्ट आके कहते मुझे उठाने के लिए था, जैसे गोद में उठा लेंगे मुझे। अपने कान छोड़ो छोड़ो, मैं एंकर हूँ, बच्चा नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनको क्या कहना भाई। उनके सवालात मैंने कुछ ये थे कि
घर में भी आप अजी हैं या आंटी आपसे बड़ी ऑफिसर हैं? इसका क्या जवाब मिला था? या अल्लाह खैर। मामा ने सवाल बताया था। और सर हमेशा जिस भी इंटरव्यू में गया हूँ ना मैं करने के लिए, वहाँ पे ज्यादातर सवाल मम्मा ही करती है। जैसे कैमरा ऑन होता है, बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, शुरू शुरू में तो चार पांच दफा एंट्रो देना पड़ता था, शुरू शुरू में सवाल भूल जाते हैं, तो इतना प्रेशर बिल्ट होता था, शुरू शुरू में कंफ्यूज होते थे कि हाय अल्लाह ये सामने बंदा बैठा है इंटरव्यू करना है, नहीं मुझे सवाल याद नहीं है, या कंफ्यूज हो जाते। कभी ऐसा होना तो छोड़ो, सोचा भी नहीं है कि कभी ऐसा होगा। क्यों? बस कॉन्फिडेंस है। अच्छा इन फ्यूचर क्या करना है आप? इन फ्यूचर जब मैं छोटा था तब तो मेरे काफी सारे गोल्स। अभी भी छोटे हो, 9 साल के हो। जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था। जब फीडर पीता था? नहीं इतना नहीं, मैं हाँ इतना ही था, समझ तीन चार साल का। तीन चार साल का था तब, मेरे दो चार गोल्स थे कि जैसे न्यूज एंकर बनना है। तो तीन चार साल की उम्र में कैसे गोल्स थे? क्योंकि मेरे डैड मेरे लिए 19-19 घंटे काम करते हैं और रात को घर आते हैं तो सोते टाइम उनकी टांगों में इतनी शदीद किस्म की दर्द होती है और टांगे इधर उधर मार रहे होते हैं, जैसे उनकी आँख निकलती है मैं सोया होता हूँ, हालांकि ना जाता हूँ उनसे मिल पाता हूँ ना जब वो घर आते हैं तब भी मैं सोया ही होता हूँ। तो जैसे ऐसे होता है मैं फ़ौरन उठ के इनकी टांगें दबाता हूँ। तो जल्द से जल्द मैंने कुछ ऐसा करना है कि मैं अपने मॉम एंड डैड को सपोर्ट करूं। अच्छा आपका आइडियल कौन है? मेरा आइडियल मेरे डैड। कितनी खूबसूरत बात है। अच्छा इसके अलावा गेम्स खेलने का शौक है, गाड़ियों का शौक है, इस तरह की चीज़ों का, जैसी बच्चों में एक्टिविटीज़ होती हैं, आप तो बड़ी जल्दी संजीदा और बड़े बुजुर्ग बन गए हो, लेकिन कोई बच्चों वाला शौक है? गेम्स का भी कर लेते हैं और गेम्स से ज़्यादा मुझे गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों के बारे में बताओगे? गाड़ियों के बारे में विच कार, मतलब कौन सी गाड़ी आप कहाँ इम्पोर्ट? फेवरेट कौन सी? मेरी फेवरेट कार फोर्ड रैप्टर F-150। ये कहाँ पे है? आप खड़े हो? मुझे नहीं, पाकिस्तानी नहीं है भाई। पाकिस्तानी नहीं? हाँ पाकिस्तानी। क्यों पसंद है, क्या खास बात है, क्या सर्च किया उसने? इसका साउंड। एक और गाड़ी भी है, टोयोटा सुप्रा MK4, बहुत ट्रेंडिंग में थी एक टाइम पे, 1998 की है। कान फाड़ने वाले हिसाब होता है। अल्लाह ताला जल्दी से आपको अच्छी सी गाड़ी दे दे जो आपको पसंद है। सिंगर कौन सा पसंद है और गानों में कितनी दिलचस्पी है? गानों में है काफी ज्यादा दिलचस्पी, और बात रही सिंगर्स की तो वो एक ही अपना सिद्धू मूसे वाला। कोई गाना सुना सिद्धू का जो आपको लगता है कि आपके आप गा सकते? ठीक, नी मैं हक दी कमाई विच गेड़े करदा गेड़े करदा गेड़े करदा, नी मैं हक दी कमाई विच गेड़े करदा, साले मच दे शरीक ने प्राउड मान दे, तेरे शहर दी पुलिस मैनू थीफे आखदी नी, तेरे होंठ दे ने मुंडे मैनू गाउट मान दे, शहर दी पुलिस मैनू थीफे आखदी नी, तेरे होंठ दे ने मुंडे मैनू गाउट मान दे, कर दस टैंग विच यार गेड़े नी, यार नाल रखू मेरू याड़ू ने नी, जेड़े जेड़े सीगे साले धौना चक दे, अला बेखलास बाजे इंडिया दे वेड़े नी, हो अख चक चुन दे ने रौंदे मिठिए, जेड़े यट दे चलेंज नू सी चौड़ मान दे, तेरे शहर दी पुलिस मैनू थीफे आखदी नी, तेरे होंठ दे ने मुंडे मैनू गाउट मान दे। क्या बात है, सिद्धू मूसे वाला क्यों पसंद? भाई उसकी पर्सनैलिटी थी। और एक बात है, हक जहाँ पे हक की बात हो ना वहाँ पे वो खड़ा हो जाता। हुआ था जब उसकी भी जो रियल फैंस हैं उनको तो होता ही है फिर। अच्छा कोई ऐसा वाकया कि इंटरव्यू करने गए हो आप किसी का और आपको याद रह गया हो कि हाँ ये वाला इंटरव्यू या ये वाला सीन मुझे याद है? इंटरव्यू के साथ नहीं था हुआ, हाँ एक दफ़ा हुआ था कि मैं ATM से पैसे निकालने के लिए गया। हाँ। मुझे किसी काम से भेजा था डैडी ने कि ये इतने पैसे लेके आने आपने, मैं गया। ATM यूज़ करना आता है? हाँ बिल्कुल, मेरे जितने बच्चों को मोबाइल यूज़ करना आता है सिर्फ मुझे ATM यूज़ करना है। माशाल्लाह इधर लग जाती है, बताते नहीं। थैंक यू बताने के लिए, मुझे नहीं था। हाँ तो मैं ATM पे गया, एक बंदा पहले अंदर गया, जैसे वो बाहर आया मैंने दरवाज़ा पकड़ गया, अभी अंदर पाँव रखा ही है,
सिक्योरिटी गार्ड आ गया, आके मुझे कहता है क्या करने लगे हो। मैंने कहा एटीएम में पैसे निकालने। मैंने कहता आते हैं पैसे निकालने। मैंने कहा जी आते हैं। कहते आओ मैनेजर के पास चलो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कहते आओ, वो लेके गया। मैंने कहा पहले दरवाज़ा खोल के दिखाओ भाई मुझे, अंदर मैनेजर है भी या ले के जा रहे हो भाई। उसको उसने दरवाज़ा खोल के दिखाया। मैंने कहा है। गया मैं अंदर, अंदर ना ऐसे दो चार पुलिस वाले भी बैठे थे। वो कहते आपको हम थाने ले देंगे ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई आप कैसे लेके जाओगे मुझे, आपके डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनका इंटरव्यू करके आया हूँ, मैं भी आपकी उनसे बात करा देता हूँ। कहा तो ना करो एवं लगे हो, ना करो ऐसे ऐसे झूठ ना बोलो। मैंने कहा मोबाइल दिखाए। मोबाइल में मैंने उनको इंटरव्यू दिखाया। कहते यार तो सच्ची उन्होंने मिल गया आई। वो उसके बाद मैंने डैड को कॉल की उनके नंबर से। मैंने उनको कहा कि डैड को कहा कि डैड ये ऐसे ऐसे। तो भाई वो डैड ने उनको कहा कि हाँ इनको निकालने, तो मैंने भेजा। मैं गया हूँ दोबारा पैसे निकाले, आराम से चला गया। सिक्योरिटी गार्ड पीछे, पुलिस वाले, मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड सारे मुझे ऐसे घूरी जा रहे हैं, ऐसे घूरी जा रहे हैं मुझे, कह रहे भाई क्या बला आई है। अच्छा उर्दू में इंटरव्यू करना पड़े कर लेते हो, इंग्लिश में करना पड़े कर लेते हो? हाँ, हाँ जी इजीली इंग्लिश आती है, ज़्यादा सारी की थोड़ी सी 50-50। और पंजाबी? पंजाबी भी सानू 50-50 आंदी। किन्नी 50-50? अद्धी अद्धी। 50-50 क्यों आंदी है, 100-100 क्यों नहीं आंदी? माँ बाप पंजाबी नहीं है तो पंजाबी, लेकिन बोलने नहीं देते। बोल जरा भाई, सुधरा बच्चा बनाना है ना मुझे। पंजाबी इतनी मीठी जुबान है, वो थोड़ी अब्यूजिव चली जाती है। शादी अगर ठोस पंजाबी कुड़ी ना लोगी तो फिर उन्हें भी सीधा कर लेंगे, बुद्धि तो ले आएंगे। सबसे पहला मेरा ये सवाल, इस फील्ड में आने का शौक था या किसी से मुतासिर होकर आई? ना शौक था ना किसी से मुतासिर हुई, हाथ साथी तौर पर आई। डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाथ साथी तौर पर। अच्छा एक्सीडेंटली? एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली। अच्छा एक मासूमाना सवाल करना चाहता हूँ, कर लो। मेरा ये मासूमाना इजाजत है? थैंक यू। मेरा ये सवाल है कि बचपन में शरारती थी या मासूम सी बच्ची थी मेरी तरह? बहुत शरारती थी, इतनी शरारती थी कि एल्फी खोलने के लिए मुंह में डाली तो वो खुली तो वो सारी आंख में चली गई, आंख बंद हो गई। इतनी शरारती थी कि ग्लास के साथ खेल रही हूँ यूं, और ट्यूब लाइट होती थी तब बड़ी बड़ी लगी हुई होती, वो लगी तो वो ट्यूब लाइट जब टूटी तो वो सारे कचरे ऊपर। इससे भी ज़्यादा शरारती थी, बस मत पूछो कि क्या क्या किया है बचपन में। बहुत चराती थी भाई। ये न्यूज एंकर बचपन में ऐसी थी। इनका बचपन फॉलो मत करना, अब कर लो बेशक, लेकिन बचपन फॉलो मत करना। दूसरा ये कि शरारतों पर मम्मा से ज्यादा मार पड़ती थी या बाबा से? एक दफा मम्मा से मार पड़ी, एक दफा बाबा से, ज्यादा नहीं पड़ी, एक एक दफा पड़ी है दोनों से। मामा को बताए बगैर कब्रिस्तान चली गई थी, घर से खेलती खेलती कब्रिस्तान पहुंच गई, उस बात बात से मार पड़ी थी। और एक दफ़ा पैसे थे काफ़ी सारे, अब्बा के तो उठा लिए और जाके दोस्तों को चीज़ें खिला दी। अब्बा पूछे बता हैं किधर, मैंने कहा मैंने नहीं उठाए। कह तुमने उठाए हैं, बताओ किधर, मैंने कहा मैंने उठाए ही नहीं। जब बंदा कहे ना मैंने तो ये किया ही नहीं, बंदा फौरन छक जाता है।